मानव जीवन एक बहुमूल्य निधि है। ये जीवन हमें ऊपर वाले ने दिया है, किंतु इसकी रक्षा का कार्य डॉक्टर्स को मिला है, जो इसे बखूबी निभा रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक ग्रैंड पर्सनालिटी से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने लाखों लोगों की स्किन से जुड़ी समस्याओं को हल किया है। भारत के प्रगतिशील स्टेट गुजरात में डॉक्टर जगदीश सखिया स्किन केयर के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते हैं, और इनका वर्चस्व, इनका दबदबा मुंबई और दिल्ली में भी है। दो दशकों से कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी और लेजर मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर जगदीश का जन्म सौराष्ट्र गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ। अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कोई खाला जी का घर तो है नहीं, लेकिन कड़ी लगन और मेहनत से इन्होंने ये भी कर दिखाया। और फिर जब मेडिकल प्रोफेशन में कदम रखा तो एहसास हुआ कि डर्मेटोलॉजी में अच्छे डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और इसलिए कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। इनके लिए ये सब आसान नहीं था, ये एक कंजर्वेटिव फैमिली से आए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 20 साल की आयु तक इन्होंने ट्रेन में पांव तक नहीं रखा था। शुरू में इन्हें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर हिम्मत नहीं हारी और कर्मवीर की तरह आगे बढ़ते रहे, और अंत में सफलता ने इनके कदम चूमे। जो ये करना चाहते थे वो आखिर इन्होंने कर दिखाया। कई साल स्ट्रगल के बाद ये भारतीय जनता को स्किन केयर की इंपॉर्टेंस समझाने में कामयाब हुए। लेकिन ये मुकाम इन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया। 300 स्क्वायर फीट में अपना पहला क्लिनिक जब इन्होंने खोला तो सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक जी तोड़ काम किया करते थे। अकेले ही अपने क्लिनिक के सारे कार्यों को संभालने वाले डॉक्टर जगदीश सखिया कई सालों तक पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट्स देते रहे, और तो और इन्होंने 60 डर्मेटोलॉजिस्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी, ताकि वो सब भी स्किन की बीमारियों से जूझ रहे पीड़ितों को बेहतर सेवाएं दे सके। क्या बात है सखिया साहब, गुजरात में सफलता पाने के बाद इन्होंने 40 देशों में कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके दुनिया भर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट को सीखा, ताकि भगवान की बनाई मूर्तियों को तराशने का काम बखूबी संभाल सके। आज इनके पास पूरे देश में लगभग 120 हाईटेक लेजर मशीन्स हैं, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट द्वारा पेशेंट्स की मदद करती है। बोटॉक्स थेरेपी, माइक्रोडर्मो एंड केमिकल फिलिंग, CO2 लेजर एंड फेशियल रीसर्फेसिंग, फिलर, मीजोथेरेपी, स्केलरोथेरेपी, हेयर रिमूवल, डर्मा रोलर और ऐसे कई ट्रीटमेंट्स इनके सेंटर्स में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब अगले चरण में ये 2-tier सिटीज में 110 क्लिनिक्स और स्टार्ट करने वाले हैं। इनका मानना है बिजनेस स्टार्ट करना अल्ट्रा मैराथन है, इसमें हमें गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए, इसमें सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि वास्तविकता पर भी नजर रखनी चाहिए, और पूरा जीवन कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। वाह क्या जज्बा है, और यही सफलता की कुंजी है। इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और एक हीरो की तरह बुलंदी को छुआ। हमें नाज है ऐसे मार्गदर्शक, कर्तव्य परायण और ऑनेस्ट डॉक्टर पर, जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश, यानी जगत के ईश। इनका नाम ही इन्हें पूर्ण करता है। आइए देखें डॉक्टर जगदीश की कहानी उन्हीं की जुबानी। It is easy to stand with the crowd. It takes courage to stand alone. People who decide not to follow the herd often find themselves leading the way. I observed a gap in dermatology and decided to fill it. But when has it been an easy job to do? सौराष्ट्र के एक ग्रामवासी परिवार में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु तक ट्रेन के सफर से अनजान रहा। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर पाने के पीछे माता पिता का योगदान सबसे अहम रहा। डर्मेटोलॉजी को एक विशेषज्ञता के रूप में चुनने का निर्णय मैं सबसे कठिन मानता हूं। सन 1998 गुजरात के एक शहर सूरत में जब मैंने अपने पहले क्लिनिक की नींव रखी, उस दिन मैं नहीं जानता था कि 5 साल तक कठिनाइयों का सामना अकेले ही करूंगा। मैं अकेला डॉक्टर था वहां, जो अटेंडेंट भी था और अकाउंटेंट भी। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निरंतर काम करने की एक आदत सी बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान सूरत के लोगों का निशुल्क इलाज भी किया, इसलिए कि स्किन से जुड़ी बीमारियों और उनके आधुनिक इलाज के प्रति उन्हें जागरूक कर सकूं। सन 2001 में
जब बेहतर ट्रीटमेंट्स के लिए लेजर मशीन्स को मैंने सबसे परिचित कराना चाहा, तो बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मेरे सहयोगी डॉक्टर्स और मुझसे जुड़े तमाम लोगों ने तब पहली बार मेरे काम की सराहना की जब सूरत के लोगों ने खुले दिल से मेरे नए क्लिनिक और उन्नत सेवाओं का अभिनंदन किया। आज मैं कामयाब हूं, लेकिन जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है।